हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं साइंस का, जो कि एनटीपीसी, पटवार, राजस्थान पुलिस अदर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये हर एग्जाम के अंदर आता है। देखो, दो टॉपिक ऐसे होते हैं, एक तो ये पोषक तत्व हो गया, दूसरा डिजीज यानी रोग हो गया, ठीक है। ये हर एग्जाम इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आ जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व की बात करते हैं। ये पोषक तत्व हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमें प्राप्त होते हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं? पोषण से। पोषण से। अब पोषण हम किसका करते हैं? भोजन का करते हैं, फूड का करते हैं। पोषण किसका करते हैं? भोजन का, फूड, ठीक है। अब देखो, पोषक तत्व इसकी स्टडी क्या होती है? सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसकी स्टडी के बारे में पता करते हैं। इसका अध्ययन क्या होता है? इसका अध्ययन होता है ट्रोपोलॉजी। ट्रोपोलॉजी, पोषक तत्वों का अध्ययन क्या होता है? ट्रोपोलॉजी होता है। पोषक तत्वों को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। पोषक तत्वों को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है मुख्य, मुख्य या इसको बोलते हैं मैक्रो, मैक्रो या मेजर भी बोल देते हैं। सबसे पहले आता है मुख्य पोषक तत्व, जिसको बोलते हैं मैक्रो। दूसरा आता है सूक्ष्म, सूक्ष्म या अल्प, इसको बोलते हैं माइक्रो। यानी पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो है मुख्य मैक्रो और दूसरा है सूक्ष्म या अल्प या माइक्रो, ठीक है। अब सूक्ष्म के अंदर सबसे पहले आप महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व आता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन आता है। दूसरा आता है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा कौन सा आता है? कार्बोहाइड्रेट आता है। तीसरा आता है वसा, जिसको आप लिपिड भी बोल सकते हो या उसको फैट भी बोल सकते हो आप, इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। और इसको बोलते हैं प्रोटीन, ठीक है। तो मुख्य के अंदर तीन आते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये मुख्य भोजन के अवयव हैं। सबसे पहले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये किसके अंदर आता है? मैक्रो, जो कि हमें बॉडी को सबसे ज्यादा प्रतिदिन आहार के रूप में सबसे ज्यादा चाहिए, उनमें से भी कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा चाहिए, ठीक है। सूक्ष्म में बात करते हैं, एक आता है आपका विटामिन्स, विटामिन्स। नंबर दो मिनरल यानी खनिज तत्व, मिनरल्स। और तीसरा आता है जल, जल भी एक सूक्ष्म पोषक तत्व माना गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन, इन चारों में से कार्बनिक तत्व कौन सा है या कार्बनिक पोषक तत्व कौन सा है? ये चारों पोषक तत्व हम बात करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा और विटामिन, इन चारों की बात करते हैं, तो ये चारों कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा और एक हुआ विटामिन, ये चारों के चारों कौन से हैं? कार्बनिक पोषक तत्व हैं। कार्बनिक पोषक तत्व हैं, ऑर्गेनिक, ठीक है। और ये दोनों जो खनिज और खनिज तत्व और जल हैं, ये अकार्बनिक हैं, इनऑर्गेनिक है ये, ठीक है। तो सबसे दोबारा बात करते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं? पोषण से, न्यूट्रे से। पोषण किसका करते हैं? भोजन का करते हैं, फूड का करते हैं, ठीक है। और इस पोषक तत्व का अध्ययन होता है ट्रोपोलॉजी। पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया, एक मुख्य और दूसरा है सूक्ष्म। मुख्य के अंदर आता है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड, वसा, तीनों के तीनों कार्बनिक हैं। और चौथा विटामिन, जो कि सूक्ष्म के अंदर आता है, ये भी कार्बनिक है। और खनिज और जल, ये कौन सा? एक कार्बनिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक की डिस्कस करते हैं। इसके अंदर प्रोटीन की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन की। देखो, प्रोटीन का अर्थ होता है प्रथम स्थान रखने वाला, प्रथम स्थान रखने वाला।
अगर हम बात करते हैं, अगर जल का पहला स्थान है तो प्रोटीन का दूसरा स्थान है, हमारी बॉडी में प्रोटीन का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है जल का, यानी हमारी बॉडी में पहला स्थान किसका? जल का। दूसरा स्थान कौन सा है? प्रोटीन का है। प्रोटीन देखो, प्रोटीन घाव भरने में सहायक है, प्रोटीन घाव भरने में सहायक है। प्रोटीन टूटे फूटे, प्रोटीन टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है। मतलब जैसे सेल डैमेज होती रहती है, जैसे दिन भर भाग दौड़ या जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो छोटी छोटी सेल्स डैमेज होती रहती है, इनकी मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है, पहलवान को सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, छोटे बच्चे को और एक जो गर्भवती प्रेग्नेंट लेडी, जो गर्भवती महिला है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। पहलवान मसल्स बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन का सेवन करते हैं, छोटे बच्चे प्रोटीन कमी से कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, ठीक है, और गर्भवती महिलाओं को भी सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, दूसरा हमारा जो मुख्य पोषक तत्व था वो था कार्बोहाइड्रेट। कौन सा था? कार्बोहाइड्रेट था। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। तुरंत ऊर्जा की मुद्रा, तुरंत ऊर्जा की मुद्रा, जस्ट एनर्जी कॉइन, किसको बोला गया? कार्बोहाइड्रेट को। यानी सबसे हमारे आहार में प्रतिदिन में सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, तुरंत ऊर्जा। ठीक है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है कि आसानी से सेल में डाइजेशन हो जाता है, पाचन हो जाता है और 4-5-10 मिनट बाद हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक, अगर हम कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किस किस में पाया जाता है इसकी बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा अगर हम सब्जियों की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं तो होता है ये आलू में, सबसे ज्यादा किस में होता है? आलू में। अगर हम बात करते हैं अनाजों की तो अनाजों में होता है ये चावल, राइस चावल में होता है। और अगर हम सबसे ज्यादा इसकी बात करते हैं फलों में तो फलों में सबसे ज्यादा होता है केले में। यानी सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट सब्जियों में आलू में, अनाजों में चावल में और फलों में केले में होता है, तभी तो खिलाड़ी खेल खेलने से पहले केले का सेवन करता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी शर्कराएं हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ, जितने भी शर्कराएं यानी शुगर, जिसको आप बोलते हैं शुगर, जितनी भी शर्कराएं कार्बोहाइड्रेट होती हैं, सभी शर्कराएं कार्बोहाइड्रेट होती है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट शर्कराएं नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि सबसे मीठी शर्करा यानी सबसे मीठी नेचुरल शुगर, प्राकृतिक शर्करा है जो, वो है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टो किससे मिलती है? फल और शहद। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा फ्रुक्टोज है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारी जो ब्लड शुगर, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, ब्लड शुगर जिसको आप बोलते हो रक्त शर्करा, यानी ग्लूकोज है, जो कि मधुमेह रोगियों में, डायबिटीज या उसको आप बोलते हो शुगर, मधुमेह रोगियों में सबसे ज्यादा होती है, शर्करा की मात्रा ज्यादा, इंसुलिन कम हो जाता है। ठीक है, दोबारा बात करते हैं मुख्य पोषक के अंदर, सबसे पहले हमने बात की थी प्रोटीन की, दूसरी हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, ठीक है, और सबसे ज्यादा सब्जियों में आलू में होता है, अनाजों में चावल में होता है, फलों में केले में होता है। ठीक है,
इसके अलावा सभी कार्बोहाइड्रेट शर्कराएं नहीं हो सकती, सभी शर्कराएं कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज फल और शहद में पाई जाती है। ठीक है, ब्लड शुगर जिसको रक्त शर्करा बोलते हैं, ये ग्लूकोज जो मधुमेह रोगी होते उसमें ज्यादा होती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और है, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स यानी पादपों के अंदर, प्लांट्स के अंदर यानी पौधों में यानी पादपों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पाया जाता है, जिसको मांड या मंड भी बोलते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या मंड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और एनिमल्स के अंदर यानी कार्बोहाइड्रेट एनिमल्स के अंदर मतलब जंतुओं के अंदर कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में। यह क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कार्बोहाइड्रेट जंतुओं के अंदर तो ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है और प्लांट्स के अंदर स्टार्च के रूप में पाया जाता है। इस ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, इस ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने पहला प्रोटीन पढ़ा था और दूसरा हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट, जो कि दोनों के दोनों मुख्य पोषक तत्व हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे मेजर के अंदर, एक लास्ट जो आज के डे के अंदर वसा की बात करेंगे, फैट की बात करेंगे, लिपिड भी बोल सकते हैं उसको। तीसरा हमारा मुख्य पोषक तत्व आता है वसा, वसा को हम बोलते हैं लिपिड। देखो एक और बात, जैसे हम प्रोटीन की बात कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि ये सारे के सारे कार्बनिक पोषक तत्व हैं। ठीक है, प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर बना होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और अगर वसा की बात करते हैं तो ये भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2 होता है। ठीक है, अब वसा की बात करते हैं, हमने बोला कि शरीर के निर्माण के प्रोटीन को बोलते हैं, तुरंत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा वह लंबे समय तक ऊर्जा वसा से मिलती है। सबसे ज्यादा और लंबे समय एनर्जी कहां से मिलती है? फैट लिपिड से मिलती है। जैसे 1 ग्राम लिपिड से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। किलो कैलोरी का मतलब जो भोजन से ऊर्जा हमें मिलती है, इसको हम किलो कैलोरी में मापते हैं, किलो कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, किलो, और जो मापन करने वाला यंत्र होता है वो होता है बॉम कैलोरीमीटर। ठीक है, इसके अलावा भूख हड़ताल के समय जो एनर्जी मिलती है बॉडी को, वो भी वसा से मिलती है। ठीक है, तो थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं हम कि हमने आज ये बात की थी पोषक तत्वों की। पोषक तत्व हम जो भोजन करते हैं, जो हम फूड खाते हैं, यानी जो उससे हमें पोषण पोषक तत्व मिलता है, पोषक तत्वों का अध्ययन होता है ट्रोफोलॉजी। पोषक तत्व दो प्रकार के थे, एक तो था आपका मुख्य था और दूसरा कौन सा था? सूक्ष्म था। मुख्य के अंदर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्रोटीन आपके शरीर की निर्माण इकाई थी, कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा मिलती है और वसा से आपको लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, कल हम फिर लेकर आएंगे अगला नेक्स्ट टॉपिक।